और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां की 3 सीटों पर आज मतदान होना है। इसी समय इसी क्रम में वहां पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान चल रहा था उसी समय ईवीएम में खराबी आ गई है। बूथ क्रमांक 109, 110 और 61 में ईवीएम खराब हो गया है। बता दें बूथ क्रमांक 61 में ईवीएम खराब हो गया, उसकी वजह से मतदान रुक गया है। ईवीएम की जो प्रक्रिया है वह बदलनी जा रही है, ईवीएम को बदला जा रहा है। 109, 110 सहित कुल 6 पोलिंग बूथों पर ईवीएम बदल दिया गया है और मतदान फिर से शुरू हो गया है। लेकिन जो बूथ क्रमांक 61 है वहां पर ईवीएम अभी भी खराब है और उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां दूसरे चरण के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम में खराबी आ गई है। बूथ क्रमांक 109, 110 सहित कुल 6 बूथों पर ईवीएम खराब हो गया था, जिसके बाद उसको ठीक किया गया, उसको बदला गया और अब मतदान शुरू हो गया है। लेकिन बूथ क्रमांक 61 पर अभी ईवीएम बंद है, उसको बदलने की प्रक्रिया जारी है। बता दें आज छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान जारी है, महासमुंद, राजनांदगांव और कांके। शुरुआती दौर में ईवीएम की खराबी की सूचना आई, वहां पर ईवीएम खराब हो गया है, जिससे आधे घंटे करीब बाधित रहा मतदान। बूथ क्रमांक 109, 110 और 61 में ईवीएम खराब रहा, इससे आधे घंटे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई थी, लोग रुके हुए थे, ईवीएम खराब था। उसके बाद 109, 110 और सहित 6 पोलिंग बूथों पर ईवीएम बदला गया और फिर से मतदान शुरू हुआ। लेकिन वहीं एक बूथ क्रमांक 61 पर अभी भी ईवीएम खराब है, जिसको बदलने की प्रक्रिया की जा रही है, उसको बदला जा रहा है ताकि फिर से मतदान शुरू हो जाए। बड़ी खबर आपको हम लोकतंत्र के महापर्व के दिन बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। वहां ईवीएम खराब हो गया था, आज जगह ईवीएम बदला गया है, लेकिन अभी भी बूथ क्रमांक 61 पर ईवीएम खराब है, जिसको बदलने की प्रक्रिया की जा रही है।